सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मुंबई दौरा, सबसे पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। मुंबई में इंडिया गेम 2024 में हिस्सा लिया है। 13वीं द्विवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन है। जेपी नड्डा समेत केंद्र और राज्यों के कई प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। भोपाल में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। शाम 4 बजे माइनिंग कॉन्क्लेव का समापन होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई के दौरे पर हैं और वो शाम 4 बजे तक भोपाल लौट जाएंगे, क्योंकि शाम 4 बजे माइनिंग कॉन्क्लेव का समापन होगा और जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्लांचल, बताइएगा किन किन कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं, क्योंकि अभी वो मुंबई में है और थोड़ी ही देर में भोपाल भी लौट आएंगे। रचिका, देखिए मुंबई में जो केम इंडिया का आयोजन हो रहा है 2024 का, उसमें पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन को लेकर के और बीना में जो प्लांट लगा है उसकी उसका बढ़ाने के लिए वहां पर कंक्लेव चल रहा है जिसमें वो शामिल हैं। जगत प्रसाद नड्डा भी हैं और इसके अलावा कई अन्य राज्यों के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। और मध्य प्रदेश में जो माइनिंग का कंक्लेव चल रहा है, जो कि 2 दिन पूर्व शुरू हुआ था, और उसमें देखिए आपकी आज उसका समापन होना है और मुख्यमंत्री होंगे, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे डॉक्टर मोहन यादव जो माइनिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अपार संभावनाओं में व्यापार और राजस्व बढ़ाने की थीम लेकर उन्होंने ये किया है, जिसपे अडानी अंबानी और रिलायंस समेत कई बड़ी कंपनियों ने शिरकत की है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, रीजनल स्तर पर भी मीट कर रहे हैं, अभी 23 तारीख को रीवा में भी इन्वेस्टर्स मीट होनी है, तो कुल मिला के उनका जो इरादा है वो साफ है कि मध्य प्रदेश को किसी भी हालत में, क्योंकि उन्होंने कहा था जब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं उनके लगातार लोन लेने पर मध्य प्रदेश सरकार के, तो उन्होंने कहा है कि हम जो भी लोन ले रहे हैं उसका कुछ ना कुछ हम उपयोग करेंगे, मध्य प्रदेश का राजस्व बढ़े, निवेश बढ़े, रोजगार बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े, और जो यहां पर खनिज संपदा और संसाधन है उसका उपयोग किया जाए, इसको लेकर के देखिए उन्होंने मुंबई में, बेंगलुरु में और लगातार प्रदेश में भी रीजनल स्तर पर वो इस तरीके की इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने की दिशा में लगातार उनका प्रयास जारी है और उसी दिशा में आज ये मुंबई में जो इंडिया चलो लगातार मुख्यमंत्री का फोकस भी इसी चीज में है कि मध्य प्रदेश को कैसे उद्योगों का हब बनाया जा सके, और जिस तरीके से काम हो रहा है वो संकेत भी दे रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश उद्योगों का हब बन भी जाएगा। तमाम जानकारी के लिए अंचल शुक्रिया आपका।